सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल को और इस घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। सो ही गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है हमारी डाउटनेट ऐप के ऊपर होने वाली है कि कैसे जो है आप लोग डाउटनेट ऐप को यूज कर सकते हो। तो आपने थंबनेल देखकर हमारे वीडियो पर क्लिक किया होगा कि कैसे जो है डाउटनेट ऐप को यूज करना है, क्या जो है इसकी फंक्शंस है, कैसे ये वर्क करता है, कहाँ से इसको डाउनलोड करना है। तो गाइज ये रहा डाउटनेट ऐप का लोगो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको पास दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं डाउटनेट ऐप डाउनलोड करने के। तो एक तो प्ले स्टोर से कर सकते हो आप। तो सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है डाउटनेट ऐप। तो उस इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। और अगर इससे भी अच्छा और इससे भी सही जो है आप लोग पाना चाहते हो तरीका, जिससे इजीली जो है आपका डाउनलोड डाउनलोड हो जाए, तो उसके लिए मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो। तो वहां से आपको ज्यादा इजी रहेगा डाउनलोड करना। बाकी वो भी जो लिंक है वो प्ले स्टोर में ही खुलने वाला है। तो वहां से सीधा आपको इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका डाउनलोड ओपन हो जाएगा। फिर मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आपको डाउनलोड ऐप यूज करना है। तो गाइज मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपने जो है हमारे चैनल पे इतना सपोर्ट दिखाया, हमारे इतने सब्सक्राइबर्स करवा दिए, तो हमारी जो ये दो वीडियोज है इस पर आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है, लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है इन वीडियोज में। तो आपको दिल से जो है मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से जो है हमारे चैनल पर 18 सब्सक्राइबर्स हो पाए हैं। तो इस टाइम पे हमारे 18 सब्सक्राइबर हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स और भी बढ़ सकते हैं। तो गाइज उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमारी इन दोनों वीडियोस पर जो है इतना सपोर्ट दिखाया, इतना प्यार दिया, इतना लाइक किया। तो हमारी मोबाइल स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं आदित्य और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइज वेलकम बैक टू मोबाइल स्क्रीन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था आपके पास दो तरीके हैं, आप एक तो जाके प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे जो है आप हमारे वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहां से भी आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पे मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, तो उन दो तरीकों में से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। फिर हम सिंपली जो है अपने डाउनलोड ऐप के और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड ऐप की तरफ एंटर करने के बाद जो है हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करने पढ़ना हुआ आसान। तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, जो लैंग्वेज आपको सही लगती है वो आपको जो है सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, तो हम सिंपली इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपसे अपने मोबाइल नंबर मांगेगा और आपको तरीका बताएगा कि कैसे जो है आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मेरे ट्रिकोलर ने अडेप्ट कर लिया है पहले से नंबर, इस वजह से जो है यहाँ पे मेरे नंबर आ चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम जो है लॉग इन हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपके सामने कुछ इंटरफेस ऐसा आएगा, तो ये बोलेगा अलाउ डाउनलोड टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो यहाँ पे जो है हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, इस वजह से हम अलाउ पे क्लिक कर रहे हैं तो वो वर्क नहीं करेगा। इस वजह से मुझे जो है एक बार बीच में जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप करनी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे मैं वापस आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको अलाउ कर दिया था। तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। तो मैं क्लास 9th में हूँ, इसलिए मैं क्लास 9th की बुक लेके बैठा हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं किसी भी एक क्वेश्चन की जो है फ़ोटो ले लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे जो है ये करना है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो ले ली है किसी भी, मैं एक क्वेश्चन को पिकअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कर रहा हूँ मैं फाइंड द 5 फ्रेशनल नंबर बिटवीन। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं फ़ोटो। फिर आपको सिंपली जो है ये क्रॉप करने को बोलेगा। तो यहाँ पे आप लोग अपनी फोटो को अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद आपको फाइंड सॉल्यूशन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके लिए फाइंड सॉल्यूशन लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा वीडियो आ चुका है। तो कॉपीराइट का फंडा है, इस वजह से मैंने इसको जो है इसकी वॉइस बंद कर रखी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप चाहो तो लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो डिसलाइक है वो हटा लेता हूँ, लाइक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी समझा था ये क्वेश्चन। तो इस तरह से जो है आप अपने क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते हो। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे और भी वीडियोस ढूंढने के। तो सिंपली इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन पिकअप करना है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड इसमें है नहीं। तो यहाँ पे जो है हम बैक आ जाते हैं। तो इसके बाद जो है आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसको आप सिंपली जो क्रॉस कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोफाइल का,
तो जैसे कि मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे प्रोफाइल का मैंने ऑप्शन जो है अंडरलाइन करके दिखा दिया। तो यहाँ पे प्रोफाइल पे सिंपली जो है क्लिक करेंगे हम, तो ये बीच बीच में बार आ रही है तो इसको हटाना पड़ेगा एक बार के लिए। हाँ, तो प्रोफाइल पे सिंपली क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरा जो अकाउंट नेम है वो आ चुका है, यहाँ पे मेरी जो क्लास 9th है वो आ चुकी है, मेरा जो स्टेट है वो आ चुका है। आप चाहो तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो आप कौन सी क्लास में हो, और आपका जो NCERT बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, उस हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।